राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल मर्डर के आरोपियों को लेकर हो रहे खुलासों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के सभी 7 आरोपियों को आज मंगलवार को जयपुर NI की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। तो वहीं विशेष लोक अभियोजक TP शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने आरोपियों को 12 जुलाई तक के लिए NIA के हिरासत में भेजा था। इन आरोपियों को मंगलवार को फिर अदालत में पेश किया जाएगा। तो वहीं एक और इस हत्याकांड को लेकर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है, तो वहीं इस संवेदनशील मामले को लेकर राजस्थान में जमकर सियासत भी हो रही है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्य आरोपी के संबंध किससे थे और अब जग जाहिर है, पहले के मामलों में कौन इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, यह तथ्य भी खुलकर सामने आ चुका है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर कहा कि वैसे तो सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले पर काफी कुछ कह दिया गया है, किस प्रकार जो कुछ भी अभियुक्त है उससे किसके साथ संबंध है, बीजेपी के नेताओं के साथ किस लेवल के संबंध है सबको मालूम है, रोज कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं। अभी हाल में ही खबर आई थी कि अभियुक्त जिस मकान में रहते थे उसका मालिक भी मुस्लिम था, उसने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि ये लोग तंग करते थे, पता नहीं कौन कौन से लोग इनके घर आते जाते थे जो मुझे धमकाते थे और किराया भी नहीं देते थे। वहीं पुलिस कुछ कार्यवाही करती उससे पहले बीजेपी नेताओं ने थाने में फोन घुमाकर कहा कि ये हमारे कार्यकर्ता हैं, इन्हें तंग मत करो। तो ये हाल है राजस्थान के अंदर, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, वो अपराधी किसकी गोद में बैठे हुए हैं ये जग जाहिर है, इसका जवाब उनको देना चाहिए और स्थिति साफ करनी चाहिए। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर विवाद स्पंद पोस्ट को लेकर 28 जून को रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद ने उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।